अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मुदस्सर अली फिटनेस प्रो एंड वेलकम टू माय शो। और आज के शो में हमने बुलाया अदनान फ़ारूक को। अदनान को बहुत सारे लोग जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं। अदनान का इस इंडस्ट्री में, फिटनेस इंडस्ट्री में, इसमें लाइक मोर देन 20 to 25 years। अदनान को, ही इज़ द वन ऑफ द पायनियर्स जिन्होंने फिटनेस इंडस्ट्री की, जो इंडस्ट्री को थोड़ा सा मूव करने में, एजुकेट करने में और इस इंडस्ट्री को एक बेहतर साइड पे ट्रेनर्स प्रोड्यूस करने में बहुत ज़्यादा रोल उनका अदा किया और स्टिल वो माशाल्लाह अभी भी कर रहे हैं। सो आई ऑलवेज़ एडमायर हर। मैं अदनान की बहुत वीडियोज़ देखता था और मैं अदनान का बहुत नॉलेज भी कंज्यूम करता था। मुझे अच्छे तरीके से याद है कि जब अदनान ने सबसे पहले हॉर्मोन्स के ऊपर बात स्टार्ट करना राइट, वो भी एक लाइक लास्ट 5 years में था। तो बहुत अच्छा नॉलेज रखते हैं अपनी फील्ड के ऊपर। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो कि दे नो वट दे आर लाइक टीचिंग एंड दे नो वट दे आर डूइंग। सो थैंक यू जी, शुक्रिया अदनान। बड़ी मुझे खुशी है मुदस्सर आके, एंड आपने इतना बड़ा तारुफ करा दिया, वो इतना बड़ा है नहीं अभी, छोटा सा, लेकिन ये कि आई एम ऑनर्ड एंड आई फील लकी टू बी हेयर। और हम अभी अनऑफिशियली भी यही बात कर रहे थे कि माशाल्लाह आपकी जो ग्रोथ है एंड द वे यू आर कंट्रीब्यूटिंग, और मेरा यहाँ पे बैठना और हमारा डिस्कशन करना, आई थिंक दिस इज़ ग्रेट बिकॉज द वर्ल्ड नीड्स पॉजिटिविटी। एंड इफ वी कैन यू नो इफ पीपल कैन समहाउ लेट गो ऑफ देयर इनसिक्योरिटीज, और अगर वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे कोलैबोरेट कर सकते हैं, तो आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग रॉन्ग, दिस इज गुड एक्चुअली। गुड एक्चुअली, सो हैप्पी टू बी हियर। वेलकम। सो ना, ये जो आपने बात की कि लोग उनकी इनसिक्योरिटीज़ हैं, सेम प्रोफेशन के लोग जब सेम जगह पे काम करते हैं, करना चाहते हैं या आने की कोशिश करते हैं, तो क्या चीज़ उनकी बाउंड्री है जो कि बीच में कि नहीं यार ये मतलब नहीं, मैं इसके साथ नहीं काम कर सकता, अपनी ईगो है या ना है, कॉम्पिटिशन है या क्या चीज़ है? आई थिंक कॉम्पिटिशन, आई थिंक इन माई ओपिनियन इज़ अ हेल्थी थिंग। आई थिंक हम लोगों की अनफॉर्चुनेटली इनसिक्योरिटीज़ हैं, इनसिक्योरिटी कि मेरे से कोई फ़ायदा ना उठा ले, या मेरा नाम कहीं नीचे ना हो जाए, अगले का नाम ऊपर ना आ जाए, या मैंने जो मैंने क्लाइंटेल को डील करना था। आई थिंक एक ये वजह है। दूसरी वजह ये भी है कि हमारी जो वो एक बड़ा अच्छा ना, इफ़ यू रेड द 7 habits ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, स्टीवन कवी, तो उसकी एक उसमें था कि थिंक विन विन। यस, कोलैबोरेशन के अंदर अगर आप विन लूज सोचेंगे तो कोलैबोरेशन कैसे चलेगी? ट्रू। एंड दिस इज अनफॉर्चुनेटली, आप कोई भी पार्टनरशिप करते हैं, कोई भी करते हैं, तो सबसे पहले मेरा भी रिसेंटली एक एक्सपीरियंस हुआ, तो वो ड्राफ्ट के अंदर मैं लिखा ऐसे ही ऐसे, यू नो, एंड आई वाज लाइक यार मैं होएगा तो फिर अगर मैं भी मैं करूंगा तो फायदा नहीं। तो दिस इज, यू नो, यू हैव टू थिंक विन विन इफ यू थिंक अबाउट द अदर पर्सन। और आई थिंक वो मेंटालिटी आती है, it's called the abundance mentality. Okay. कि यार दुनिया में इतना clientele है कि हर बंदा इससे, provided कि अगर आप अपनी service दें, आप on point हो, merit पे हो, तो quality काम हो, तो लोग आपके पास आते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। जिस तरह आपका, I'm sorry मैं आपकी बात काट रहा हूँ, आपका हम बात कर रहे थे कि आपका हमने तो इसमें एजुकेशन ली ना, हम तो बड़े इसमें हुए। बिल्कुल। यू केम इन वेरी रिसेंटली एंड यू स्वीप द, यस, एंटायरली डिफरेंट, हां, एंटायरली डिफरेंट, एंड पीपल लव यू फॉर इट। सो आई थिंक दिस इज ग्रेट के इंसान की अगर वो एनर्जी इनसिक्योरिटीज पे खर्च करने के बजाय अगर वो अपने आप को इम्प्रूव करने पे काम, देयर यू गो, आई थिंक लाइफ वुड बिकम बेटर। यस अदनान, 20 years पहले आपने फिटनेस इंडस्ट्री को किस वे से देखा था कि यार मुझे इसमें आना चाहिए, और ये इस इंडस्ट्री को पाकिस्तान में आपने 20 years पहले विजुलाइज किया होगा, ठीक है, कैसे विजुलाइज किया? बाहर का एक्सपोजर था जी, टू अमेरिका जी, आप वहाँ से पढ़ के आए, सर्टिफिकेशंस की, और वो क्या माइंडसेट या क्या टर्निंग पॉइंट था कि यार मुझे इस इंडस्ट्री के अंदर जाना है? पहले तो प्लेन सिंपल था जी, आई वाज एन ओवरवेट किड, वो जो लोगों की बातें, ये मोटा है, यू नो, सो I developed a huge complex. So मुझे अभी तक याद है कि मैं I was 16, 17 years old, और उस वक्त जिम्स नहीं होते थे जो हमारे टाइम पे जिम्स थे, उस वक्त या तो आउटडोर खाड़े होते थे या कुछ नहीं था। अच्छा, लिटरली। सो आई रिमेम्बर गोइंग टू माई चचाज, बैक देन इट वॉज नॉट शेप्स, इट वॉज कॉल्ड वर्ल्ड जिम, वर्ल्ड जिम,
ठीक है, जहाँ पे गुलबर्ग में था, तो वहाँ पे बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स, और मुझे अभी तक याद है कि मैं देसी कॉन्सेप्ट था, बड़े बड़े डंबल्स, एंड आई वाज लाइक मैं क्या करूँगा. सो इट स्टार्टेड फ्रॉम दैट पॉइंट. और वो करते करते फिर मैंने जो रियलाइज किया कि आई हैड यू नो एन नेचुरल एफिनिटी टुवर्ड्स फिटनेस, के मुझे शौक नजर आना शुरू हो गया उसके अंदर. एंड देन व्हेन आई स्टार्टेड लर्निंग, आई स्टार्टेड रियलाइजिंग कि ट्रेनर्स जो लोगों की हेल्थ का जिम्मा लेते हैं, उनकी फॉर्मल एजुकेशन नहीं है. मतलब अनफॉर्चुनेटली उस वक्त सारे मैट्रिक फेल थे, और वो कन्वेंशन वो उस्ताद शागिर्द वाले, उस्ताद शागिर्द वाले और स्टेरॉइड्स यूज करने वाले, और यू नो ऑल दोस काइंड्स ऑफ प्रैक्टिसेस. मैंने कहा यार ये तो यू नो दिस प्लेस ऑफ आवर्स नीड्स एजुकेशन. एजुकेशन है, तो वो फिर वहां से स्टार्ट हुआ. तो फिर आपने बाहर से कुछ सर्टिफिकेशंस की, और फंक्शनल ट्रेनिंग का या स्टूडियो कॉन्सेप्ट आपने कब इंट्रोड्यूस कराया ना, और वो कैसे आइडिया आया कि आप इसके इंडस्ट्री के अंदर चेंज लाना चाहते थे, या स्टोरी तो आपकी पर्सनल अपनी हेल्थ इंप्रूवमेंट से स्टार्ट हुई आपने जी, तो फिर इसके अंदर आपने कैसे प्रोफेशनली जंप इन करने का सोचा? मेरा जी आई थिंक आई हैव बीन लकी इन अ वे दैट आई यूज्ड टू ट्रैवल टू कॉन्फ्रेंसेस अ लॉट. यूके में बर्मिंघम में होता था, LIW होता था, फीबो होता था, जर्मनी में वेगस में कॉन्फ्रेंस होता था. तो मेरा शौक बहुत था. सो आई वुड गो एंड आई वुड ट्रैवल टू दीज कॉन्फ्रेंसेज. एंड मुझे अभी तक याद है वो उस वक्त, आप इमेजिन करें 2005 में 6 में वो कहें पाकिस्तान से कोई आया है. आई मीन ऑल द वे फ्रॉम पाकिस्तान आई फ्लू टू वेगस, व्हिच इज यू नो इतनी लंबी फ्लाइट कॉन्फ्रेंस के लिए. सो देट बी लाइक आई यू क्रेजी कि तुम इतनी दूर आए हुए हो, बट इट वॉज पैशन. सो वहाँ पे वन ऑफ द ट्रेनिंग सेशंस आई सॉ यू नो अजीब सी चीज़ थी, बड़े वो केज सा बना हुआ एंड यू नो स्ट्रैप्स, लोग उसके साथ लटके हुए. मैंने कहा ये क्या कर रहे हैं, ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है. सो यू नो जब कोई चीज़ आप अनोखी देखते हैं तो यू यू वांट टू फाइंड आउट. आई वाज क्यूरियस, तो मैं गया हूँ. मैंने फिर एक सेशन बुक करवाया उसके अंदर. अच्छा. सो वो अगले दिन का सेशन बुक हुआ, आई डिड अ ट्रेनिंग सेशन, आई इंस्टेंटली फेल इन लव विद इट. वहाँ से स्टार्ट हुआ. एंड ऑल्सो बिकॉज यू नो बिकॉज आई हैड बीन एक्सरसाइजिंग इतने सालों से कर रहा था, आई गॉट बोर्ड ऑफ इट. वही डंबल ट्रेनिंग, वही मशीन की ट्रेनिंग, वही ट्रेडमिल. आई वाज लाइक यू नो देयर्स गॉट टू बी समथिंग एल्स. या तो दूसरी साइड पर जाए, योगा है, योगा है हाँ. you know, या ये वेट ट्रेनिंग है. वो पहले रेकी योगा चला करता था. हाँ, वो था हाँ. या लोग जॉगिंग वॉक कर रहे हैं, या जिम की ट्रेनिंग जिम कर रहे हैं. तो ना आप उधर से आए वापस, फिर आपने यहाँ पे स्टूडियो स्टार्ट किया जी. सो क्या चैलेंजेस आए इस इंडस्ट्री को लेके? आपने मशहूर 10-15 साल काम किया. सो व्हाट डू यू सी द चैलेंजेस? लोगों की माइंडसेट क्या था जब आपने इंट्रोड्यूस करवाया? बिकॉज़ आई हैव सीन लोग यहाँ पे भी आते हैं स्टूडियो देख कहते हैं यार यहाँ पे ट्रेडमिल नहीं है, यहाँ पे ये तो जिम में नहीं है. राइट. उनके माइंड में जिम का मतलब होता है कि पूरी मशीनरी और ट्रेडमिल पड़ी हो, वो भले एक्सरसाइज करें या ना करें लेकिन चीजें पूरी हो. हाँ, उनका गोल अचीव हो या ना हो, लेकिन उनको एक ना वो एक कन्वेंशनल चीज चाहिए होती जी. वो आई थिंक मुदस्सर वो एक वजह ये कि हम प्रोडोमिनेंटली ना थोड़ी सी ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग रखते हैं. एनीथिंग दैट इज अनयूजुअल तो उसमें लोग यू नो आपको घूरेंगे कि यार ये जरा अजीब सा लग रहा है, अजीब सा सही है. एक्सक्यूज मी. तो आई थिंक पीपल वांट दैट फेमिलियरिटी. ऐसे ही है. सो व्हाट आई यूज्ड टू डू बैक देन वाज के हम किसी बंदे को इस तरह एनरोल नहीं करने देते थे. ओके. सो ही वुड गो थ्रू ए 10-मिनट प्रेजेंटेशन ऑफ व्हाट दिस इज अबाउट, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, उसके फीचर्स क्या हैं. थैंक यू. और फिर उसके बाद उनको एक से दो डेमो सेशंस हम बुक करते थे उनका टाइम. एंड इफ दे लाइक इट देन ओनली फिर. और हमने मैसेज के लिए नहीं किया था, लिमिटेड. हमने लिमिटेड किया था बिकॉज इट वाज अ स्मॉल ग्रुप ट्रेनिंग कॉन्सेप्ट. ये भी एक ना एक आप कह लें कि US में या वेस्ट में उस वक्त निकला था, अब तो खैर आम है के वन ऑन वन ट्रेनिंग थी, वन ऑन वन ट्रेनिंग व्हिच वाज क्वाइट एक्सपेंसिव. यू नो यूड पे अ ट्रेनर समवेयर बिटवीन $50 to $100 पर आवर. अब अदनान यहाँ से मुझे एक नया क्वेश्चन है कि बहुत सारे लोग जो न्यूट्रिशनिस्ट हैं उनके पास जाते हैं, उनको 1,000, 1,500, 2,000, 3,000 देते हुए भी उनको लगता है कि यार इतनी ज़्यादा फीस है, बट दे पे द ट्रेनर्स लाइक 15,000, 20,000, इवन 50,000 ईजिली.
So why yeah. they pay them? Like, क्यों उनको pay कर देते हैं? वो इसलिए मेरा जो जाती ख्याल है कि nutrition मुश्किल काम है. It's not easy. You know, telling somebody that you have to change your entire pantry and you have to question your eating habits. मुश्किल है. हम आसान चीज ढूंढते हैं. और आपने भी सुना होगा, लोग कहते हैं यार हम डाइट नहीं चेंज कर सकते, जिम में जो मर्जी कराना है वो करा लो. You know, so people want an easy way out. Now the challenge, you know, I think आपको position अपने आप को इस तरह करना है that you know people will do anything if they are emotionally charged. Value अपनी service की इतनी elevate करेंगे कि जिसमें उनको ये नजर आए, I think you can charge lot more. And अच्छा revenue. हाँ जी. जो स्टूडेंट्स को अपकमिंग जो ट्रेनर्स हैं या न्यूट्रिशनिस्ट हैं, उनको एक मसला आता है कि वो अदनान, मैं होपफुली आपको पता हो कि स्टार्टिंग के कैरियर में कितना फ्री देना पड़ता है, कितना फ्री इंट्रोड्यूस कराना पड़ता है, कितना वो गैप होता है वंस यू स्टार्ट अर्निंग गुड अमाउंट ऑफ मनी. और जब आप स्टार्ट करते हो तो आपको लगता है यार हमारी तो कोई वर्थ ही नहीं मुफ्त में सारा है ना, मुफ्त में सब कुछ देना है, तो क्या वो जरूरी है, कब तक जरूरी है? वो आपने भी कोई पर्सनल एक्सपीरियंस किया होगा. आई थिंक फ्री जिस तरह हम कोर में भी करते होते थे, एक से दो फ्री डेमोज देते थे, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली हमारी कॉम को अगर यू नो वो जरा मुफ्त का ना मिले तो इसलिए मुफ्त का थोड़ा सा. और वैसे भी आई थिंक फ्लेवर देना जरूरी है. आप किसी भी मॉल में जाते हैं, फ्रेग्रेंस है, ठीक है, वो मिनिएचर बॉटल्स फ्री आपको दे रहे होते हैं, सैम्पलिंग कर रहे होते हैं. सो आई थिंक इट्स लेट देम टेस्ट योर सर्विस. एंड जितने आप अपने बैरियर्स को मिनिमाइज करेंगे ना, बिकॉज इफ यू आर टेलिंग देम टू चेंज अ लॉट ऑफ थिंग्स, ऑलरेडी बैरियर्स क्रिएट होते जा रहे हैं, बिकॉज प्राइस इटसेल्फ इज द बिगेस्ट बैरियर. सो यू नो दीज थिंग्स स्टार्ट स्टैकिंग अप, तो वो फिर यू नो दे स्टार्ट मूविंग अवे. तो आपको उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है. डोंट थिंक ऑफ योर सेल्फ एज ए प्रोफेशनल. यस यू आर, बट ट्राई टू बी इन देयर शूज. If you were somebody who had absolutely no knowledge about nutrition, you did not want to change yourself, तो आप क्या करते? That will give you a lot of answers. Walk the walk and walk the talk. Walk the talk. Yes. कि आपको वो practice भी करना पड़ेगा जो आप preach कर रहे हैं. अगर वो practice नहीं कर रहे, तो there will be a problem. अदनान, इन students को जो basic upcoming आप क्या trends देख रहे हो? COVID आ गया. जी. कोविड के बाद जो अपकमिंग इंडस्ट्री है वो किस तरह मूव चल रही है, जाएगी, या आप जो शिफ्ट देख रहे हो लास्ट 20 इयर्स में नेक्स्ट अपकमिंग ट्रेंड्स का, ताकि ये सोच रहे होते हैं कि यार हम कौन सी किस साइड पे जाएं ताकि उन ट्रेंड्स को अर्ली कैच कर लें. और क्योंकि जब ये इंडस्ट्री में आते हैं, नए लोग आते हैं, तो वो हमेशा देखते हैं यार कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है, हमारा कुछ नहीं बनना, ऑलरेडी इतने बड़े नाम मौजूद हैं तो हमारा कुछ नहीं. एक तो ये गलत कॉन्सेप्ट उन्होंने खुद क्रिएट किया हुआ. दूसरा ये है कि मैं हमेशा इनको कहता हूँ कि ऑलवेज ट्राई टू फाइंड, जिस आप 20 ईयर्स पहले गए बाहर और आपने पता कि ये ट्रेंड पाकिस्तान में आएगा और मैं आपको अर्ली पायनियर में से इंट्रोड्यूस कराऊंगा, तो नेक्स्ट 10 ईयर्स कहाँ पे आप देख रहे हो कि ये इंडस्ट्री किधर जा रही है? आई थिंक जी आई थिंक प्रीटी मच इट्स गोइंग टू बी द सेम, बिकॉज इसके अंदर कोई ऐसी, मैं नहीं समझता कि कोई जितनी डेवलपमेंट होनी थी ना वो हो रही है अब इक्विपमेंट की साइड पे. ओके. मेरे हिसाब से न्यूट्रिशन द बेसिक्स रिमेन द सेम. हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि आपको अपनी ऑडियंस कार्व आउट करनी चाहिए. सो लेट्स से इफ यू, दिस इज़ द डे एंड एज ऑफ स्पेशलाइजेशन. You need to speak to a certain set of people with certain set of needs. So, मिसाल के तौर पर अगर आप hormones की बात करते हैं, maybe you can be a specialist in hormone imbalance. Now you're talking to a very specific clientele. तो आप अपनी market एक create करें कि जिसमें आप अपनी, don't be, try to be everything to everybody. वो आपका मैसेज डाइल्यूट होएगा. सो फर्स्ट यू हैव टू सी के व्हाट योर स्ट्रेंथ्स आर एंड देन यू हैव टू स्पीक टू दैट काइंड ऑफ लैंग्वेज ताकि वो लोग आपको सुने और आपसे अट्रैक्ट हो. फॉर एग्जांपल, अगर जिस तरह आपकी भी क्लाइंटेल होएगी, मेरे पास ज्यादातर खवातीन आती हैं, गाइज नॉट सो मच, बिकॉज आई डोंट टॉक अबाउट दैट. मेरा शायद उस तरफ ध्यान नहीं है इतना, या मेरा पैशन नहीं है उस तरफ, यू नो. सो दैट्स व्हाट यू गॉट टू डू, इज यू गॉट टू फाइंड आउट. मिसाल के तौर पर
infertility. You could be a specialist. What kind of foods help infertility? Misal ke taur par. Now, if you keep talking about that long enough, उस तरह का क्राउड आपको फॉलो करेगा. So, ये तो बता दिया, लेकिन अगर स्टूडेंट्स या लोग सोशल मीडिया नहीं यूज करना चाह रहे एंड वो थोड़े से शाये हैं कि अच्छा पेज बनाएंगे तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, यू नो देयर आइडेंटिटी एंड देयर प्रेशर फैमिली इशू. सो हाउ डू यू सी कि सोशल मीडिया एंड वीडियोज की प्रेजेंस कितनी इंपॉर्टेंट है करंट सिचुएशन को देखते हुए? आज से जब जब ये मिडल ईस्ट में सारा अनरेस्ट शुरू हुआ था ना और ये इराक और ये सारा, तो उससे थोड़ी देर पहले बीबीसी के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री आई थी जिसका टाइटल था हाउ फेसबुक चेंज द वर्ल्ड. सो यू नो व्हाट आई एम सेइंग, इन अदर वर्ड्स यू कैन नॉट, इन माय ओपिनियन यू कैन नॉट डू विदाउट सोशल मीडिया बिकॉज एवरीबॉडी इज कॉन्स्टेंटली ऑन देयर फोन्स. और अब वो पैम्फलेट वाला टाइम गुजर गया हुआ है. So you are going to have to come out of your comfort zones and you're going to have to. मुझे अभी तक याद है कि मेरी MBA की पहली प्रेजेंटेशन थी और वो ऑडिटोरियम इस तरह, यू नो वो जो ऊपर हाँ अरेंजमेंट होती है, तो रोस्टम था और मैंने सारा रट्टा लगाया हुआ था बिकॉज नेचुरली तो बोल नहीं सकते थे, तो मैं उसको पकड़ा हुआ था क्योंकि मुझे चक्कर आ रहे थे. Fear था. I was so fearful. और कुछ लोगों ने तो उनका सांस ही बंद हो गया ना बिकॉज पहली प्रेजेंटेशन थी. सो इट्स नेचुरल, यू नो इफ यू थिंक कि हम यहाँ पे बैठे हुए और हमें थोड़ा सा फियर नहीं है, है नेचुरल है. क्या इस चीज का नेचुरल फियर होता है बिकॉज यूर फियरिंग जजमेंट कि लोग क्या कहेंगे. बट गेस व्हाट, द मोर यू स्टार्ट टेलिंग योरसेल्फ कि लोगों की जजमेंट्स मेरे लिए इतनी मैटर नहीं करती ना, जिंदगी आपकी आसान होनी शुरू हो जाएगी, नॉट जस्ट इन फ्रंट ऑफ कैमरा बट अदरवाइज ऑल्सो. लेकिन ये हमें इसका सामना इसलिए इतना करना पड़ता है, मैं आपको बताता हूँ. वन ऑफ माई फ्रेंड, उसका एक दिन कहीं पे इंटरव्यू शेयर हुआ यूट्यूब के ऊपर और उसके किसी घर की वीडियो थी लाइक बिल्डर कंस्ट्रक्शन में काम करता, उसका पहली दफ़ा इंटरव्यू शेयर हुआ. तो उसके नीचे जब वो एक पहली दफ़ा इंटरव्यू उसका आया, उसके में उसको थोड़ा सा बोला, वेरी थोड़ा सा, और नीचे उसके कमेंट्स लोगों ने किए कि ये इतना बड़ा घर, यू नो ऑलवेज ही हैज़ टू सेल 7-8 crore का, इससे उतने लोगों का खाना खाया जा सकता है, तुम लोग ये कर रहे हो. और नीचे जब कमेंट्स पड़े ना, वो मेरे पास आया, उसने कहा मुदस्सिर मुझे आज पता चला है कि जब तुम अकेले वीडियो सेशन करते थे नीचे हज़ारों लोगों के कॉमेंट्स और लोग किस तरह के कॉमेंट करते हैं एंड हाउ डू यू रिस्पॉन्स इतने अकेले. मुझे जब से एक मेरा इंटरव्यू पोस्ट हुआ है तब से मेरी नींदें हराम हुई हुई हैं कि लोग किस तरह के कमेंट करते हैं. एंड सी के अदनान भी जानता होगा, स्टार्टिंग बैक इन 5 years जब हम फेसबुक पर लाइव करते थे तो नीचे हज़ारों लोग ड्यूरिंग लाइव गालियाँ लिख रहे होते थे और आप गालियाँ पढ़ रहे हो और आपने अपना टेम्परामेंट कंट्रोल करना है गालियाँ सामने देखते हुए. यू नो लोग कितना जजमेंट पास करते हैं. अगर हम आज इतनी अरसे से बोल रहे हैं तो इसके पीछे अदनान मेरे ख्याल 20 साल की बोल की जो प्रैक्टिस है ना, फियर इज ऑलवेज देयर, लेकिन जो प्रैक्टिस होती है ना वो आपको उससे गुजार देती है. और लोग जब कमेंट्स में स्टार्टिंग पे आप उनको फिल्टर आउट करना शुरू कर देते हो, लेकिन जब स्टार्टिंग में लोग बैश आउट कर रहे होते हैं. जी जी बिल्कुल. एंड आई थिंक ऑल्सो जैसे जैसे आपकी पॉपुलैरिटी और आपकी रीच बढ़ती जाएगी ना, आपका इम्पैक्ट बढ़ता जाएगा, उस तरह नेगेटिविटी ज्यादा बढ़ेगी. आपकी सोच है बिकॉज पीपल, दिस इज द वे इट वर्क्स. द मोर स्टारडम यू हैव, द मोर कैरिज्मा यू हैव, द मोर देयर इज अ सेट ऑफ पीपल हु लाइक यू, बट देयर इज अ गुड अमाउंट ऑफ पीपल हेट यू और वो विदाउट एनी मतलब किसी वजह से, वो प्रोफेशनल भी हो सकते हैं और वो आपके अपने भी हो सकते हैं. सो अदनान, हाउ डू यू मैनेज योर पैशन एंड योर पर्सनल लाइफ? लाइक जब इतना काम करते हो थक जाते हो तो पर्सनल लाइफ समटाइम कॉम्प्रोमाइज भी हो रही होती है, बड़ा मुश्किल हो जाता है. तो जी बिल्कुल, दैट्स अ गुड क्वेश्चन जी, बिकॉज मैं कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स भी कराता हूँ और वहाँ पे We talk a lot about work-life balance. और work-life balance का emotional और physical energy से बहुत ताल्लुक है. So one of the things I work on is my emotional and physical wellness. It stays on point. So literally after 8,
10-12 hours of work when I'm driving back home, एक तो I'm not exhausted because जब आप passionately काम कर रहे हो तो ना you're okay. हाँ, some days they will be drained, but most days it's fine. Number one. Number two, I think जिंदगी में जब इंसान किसी भी चीज़ का छोटे छोटे इवेंट्स का इरादा भी कर लेना कि मैंने ये चीज़ करनी है और यू नो आई नीड टू बी इन द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटीज़, तो उसका लुत्फ ही फ़र्क हो जाता है. सो फॉर एग्जाम्पल, व्हेन आई वाज ड्राइविंग हियर, आई वाज थिंकिंग टू माई सेल्फ कि हाउ कैन आई बी द बेस्ट ऑफ मी. लेकिन अनफॉर्चुनेटली होता हम लोगों का ये कि जब हम अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं ना, तो मैं ये हम उन चीज़ों को ज़्यादा वैल्यू नहीं देते. अगर मैं थका हुआ हूँ तो इसमें मेरी बीवी का क्या कसूर है? शी वॉन्ट्स द बेस्ट ऑफ मी, राइट? माई किड्स वॉन्ट द बेस्ट ऑफ मी. सो इन दोनों चीज़ों को अगर आप मैनेज करें तो आई थिंक इट्स एब्सोल्युटली फाइन. एंड देन फिर आपका वीकेंड भी होता है, वीकेंड पे आप रिकवर करें. और ये कॉन्सेप्ट वेस्ट में बहुत ज़्यादा है. इतना वर्कआउट करेंगे, डाइट भी करेंगे, तो दिल बिकम जॉम्बीज कि जी 500 कैलोरीज की डाइट करनी है, 10 दिन के बाद शादी है और बस 10 केजी लूज कर दो. पांच दिनों में पेशेंट आते हैं तो क्या करते हो? लाइक इनके पास भी ऐसे आएंगे इन फ्यूचर तो क्या, लाइक जो अपकमिंग ट्रेनर्स हैं या न्यूट्रिशनिस्ट है कि जी हमारी 3 महीने बाद शादी है तो 30 केजी 3 महीनों में हमने गिराना है. So how do you manage it? Like I don't manage it. I tell them outrightly, it is not good for you, and something that is not good for you, I'm not going to be a part of because that weighs heavy on my conscience. कि अगर मैं आपको 600 कैलोरी की डाइट देके उस प्रोसेस में आप गंजे हो जाओ और अपना स्किन का बेड़ा गर्क हो जाए और वो आप 1 किलो मेकअप से छुपा रहे हो उस चीज को, that doesn't make sense. आंखें बता रही होती हैं आपकी कि आप inside you are unhealthy, क्योंकि आपको पता लग रहा होता है कि depression, psychological effect आपकी आंखों में नजर आ रहे होते हैं. और yes, it's a good thing that you rejected, लेकिन starting पे अच्छा evolve अदनान कैसे? आपने एक बड़ी अच्छी बात की थी कि यार जब इंसान को पता चलता है तब तक टाइम गुजर चुका होता है. तो ये कॉन्सेप्ट मैं चाह रहा हूँ, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें. I think clever is the person who is learning from other people's experiences. So you have to be receptive enough. That's the main thing. You know, just like I tell my children, observe, learn, understand. Don't just live life like that. Because, and I have, you know, Elon Musk's very good quote. He was addressing, you know, some university graduates. तो वो कहता है फेल बट फेल फास्ट. जितनी गलतियां करनी कर लो, बाय द टाइम यू इन योर मिड 20s तुम्हारी मैच्योरिटी उस तरह की होगी जो हमारी 45-50 साल में होती है. दैट्स द डिफरेंस दीज पीपल हैव. हम लोग यू नो टिमिड जिंदगियां गुजार रहे हैं, घबरा रहे हैं, जजमेंट से घबरा रहे हैं. वो लोग क्या कर रहे हैं? वो कह रहे हैं कि यार करो गलतियां लेकिन जल्दी करो. हाँ, जल्दी करो, 10 साल गलती में ना लगा छोड़ो. तो ये तो दूसरों के ऑब्जर्वेशन से अगेन देखो, इनको जो अपॉर्चुनिटी है मीटिंग द पीपल जो जिन लोगों ने 20-20 साल इस इंडस्ट्री के अंदर खुद से सेल्फ वो एक्सपेरिमेंट करके सीखा, इनको तो अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि यार ये आपसे सीख लें डायरेक्ट. लेकिन कुछ लोग होते हैं उनको मिल भी रही होती है अपॉर्चुनिटी और वो फिर भी नहीं चेंज होते. हाँ जी, ऐसे लोग होते हैं. बिल्कुल जी, ऐसे हो. देयर आर ऑल सॉर्ट्स ऑफ पीपल. और वो फिर सूनो लेटर जो इंसान नहीं सीखता उसको फिर वक्त सिखाता है. You know, either they're left behind, or you know, it just doesn't work out for them. और वो ऐसे ही करते रहते हैं. एंड्योरेंस ट्रेनिंग के बारे में थोड़ा सा बताएं कि एंड्योरेंस ट्रेनिंग क्यों जरूरी है और किस टाइप की? देखिए, एंड्योरेंस ट्रेनिंग इज प्रेडोमिनेंटली यूजिंग, अगर आप एनर्जी सिस्टम पे जाएंगे ना, इफ यू रेड ऑन एनर्जी सिस्टम, आई एम श्योर यू हैव, तो ये यूज़ करता है आपका जो ऑक्सीडेटिव पाथवे है, विच मीन्स दिस एक्टिविटी गोज ऑन एंड ऑन. और ये ज़्यादातर इसका जो फ्यूल है वो ऑक्सीजन से आ रहा है, ग्लाइकोजन से नहीं आ रहा या ATP से नहीं आ रहा. ठीक है, सो दिस एक्टिविटी कैन गो ऑन. और इसके अंदर एक जो ह्यूमन बॉडी के अंदर जो एक स्पेशलाइज्ड मसल फाइबर होता है जिसको हम स्लो ट्विच मसल फाइबर कहते हैं, प्रेडोमिनेंटली वो ज़्यादा यूज़ होता है. तो जब आप ऑक्सीडेटिव कैपेसिटी को यूज़ कर रहे हैं और स्लो ट्विच मसल फाइबर को यूज़ कर रहे हैं, तो आपका जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है दैट इज़ गेटिंग यूज्ड, दैट इज़ गेटिंग बेटर.
राइट। सो अगर आप जिस तरह देखें कि कोई भी आपकी जॉग है, रनिंग है, दैट इज़ इंड्योरेंस ट्रेनिंग। और वो इंड्योरेंस ट्रेनिंग ज़रूरी नहीं कि आपने सिर्फ रनिंग या जॉगिंग या कार्डियो इक्विपमेंट से करनी है। यू कुड बी डूइंग इंड्योरेंस ट्रेनिंग विद अ पेयर ऑफ डंबल्स। अ लॉट ऑफ पीपल डोंट अंडरस्टैंड दिस। अगर आपके इफ़ यू हैव अ पेयर ऑफ डंबल्स एंड यू कैन ट्रेन फॉर 30, 40, 50 seconds एंड बियॉन्ड, यू आर डूइंग इंड्योरेंस ट्रेनिंग विद अ वेरी लिटिल इम्पैक्ट ऑन रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, बट प्रेडोमिनेटली इंड्योरेंस ट्रेनिंग हो रही है। सो आपने अगर किसी भी एक्टिविटी को डिफ्रेंशिएट करना है, यू हैव टू गो बैक टू इट्स फ्यूल सोर्स। आज हम जो कुछ भी जो चीज़ कर रहे हैं वो हमारा डिपेंड करता है कौन सा फ्यूल यूज हो रहा है। सो दैट्स हाउ यू डिफ्रेंशिएट इट। बहुत सारे स्टूडेंट लोग आते हैं ना जिम के अंदर, जब वो देखते हैं कि यार इस जिम में आप ट्रेनिंग कैसे करेंगे वो उनको इस कॉन्सेप्ट का नहीं पता कि एंड्योरेंस वेट ट्रेनिंग या बॉडी फैट ट्रेनिंग आप विद टू डंबल्स और विदाउट डंबल्स के भी कर सकते हैं। लेकिन इस चीज़ की अवेयरनेस, नॉलेज एक उस ट्रेनर को होगी जो कि वेल इक्विप्ड, वेल नॉलेज, वेल स्पोकन होगा, वेल स्पोकन होगा, उसको पता होगा कॉन्सेप्ट क्या है। मुझे मुदस्सर, जब मैं TRX की ट्रेनिंग करने गया था ना, एंड वन ऑफ द थिंग्स व्हाट आई इंस्टेंटली फेल इन लव विद वाज उनकी टैगलाइन थी, आई मे बी स्टिल देयर, द बॉडी इज योर मशीन, द बॉडी इज योर मशीन, यू डोंट नीड अ मशीन, योर बॉडी इज द बेस्ट मशीन यू कैन एवर हैव, सो यू ट्रेन इट दैट वे। थैंक यू सो मच अदनान, बहुत अच्छा लगा और हमने बहुत मज़े की बातें की, स्पेशली हेल्थ और फिटनेस। ये हमारा फर्स्ट सेशन था, नेक्स्ट टाइम अदनान के साथ दोबारा सेशन वो कंटिन्यू करेंगे। और आप जितने भी लोग हैं, मेक श्योर कि अपने क्वेश्चंस कमेंट्स के अंदर शेयर करना या व्हाट्सएप पे मुझे शेयर करना नहीं भूलिएगा। हम अदनान को दोबारा इनवाइट करेंगे और अगेन इस सेशंस को मज़ीद जो आपके क्वेश्चंस आएंगे उसको डिस्कस करेंगे। बहुत शुक्रिया अदनान, थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।